हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे लोहा कंफर्ट प्लस ई रिक्शा के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इस ई रिक्शा को अभी के टाइम में ख़रीदना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आप लोग को बताऊंगा इस ई रिक्शा की जो एक शोरूम प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ई रिक्शा को ख़रीदना है तो क्या इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैक्स स्पीड, माइलेज, सीट कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी, बैटरी टाइप, मोटर टाइप, स्पीड मीटर, स्टार्ट सिस्टम, ग्रॉस व्हीकल वेट, ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इस ई रिक्शा को फाइनेंस करना है तो क्या इसकी फाइनेंस होगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक करके बने रहना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लोहा कॉम्फर्ट प्लस ई रिक्शा की जो स्पेसिफिकेशन होगा, जैसे मैक्स स्पीड होगा 25 किलोमीटर पर आवर होगा, और इस ई रिक्शा की जो माइलेज होगा 100 किलोमीटर, एक बार चार्ज करने से आप 100 किलोमीटर चला सकता है। और इस ई रिक्शा की जो सीट कैपेसिटी होगा, ड्राइवर प्लस 4 पैसेंजर 40 किलोग्राम्स, और बैटरी कैपेसिटी होगा 100 एम्पियर। बैटरी टाइप होगा इस ई रिक्शा में लीड एसिड बैटरी देखने को मिलता है इस ई रिक्शा में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मोटर टाइप होगा BLDC डायरेक्ट ड्राइवर मोटर देखने को मिलता है। और इस ई रिक्शा की जो स्पीड मीटर होगा एनालॉग स्पीड मीटर, और इसमें आपको स्टार्टिंग सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक स्टार्ट इस ई रिक्शा में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और इसकी जो ग्रॉस व्हीकल वेट होगा 732 किलोग्राम्स, और ग्राउंड क्लियरेंस होगा इस ई रिक्शा में 235 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस ई रिक्शा की जो एक शोरूम प्राइस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस ई रिक्शा की जो एक शोरूम प्राइस होगा 1,13,600 रुपीज़ इन दिल्ली। मैंने इसकी प्राइस दिल्ली के हिसाब से लिया है। और इसमें आपको RTO अमाउंट देना होगा 11,550 रुपीज़, इंश्योरेंस चार्जेस देना होगा 5,480 रुपीज़, तो पूरा टैक्सेस जोड़ने के बाद इस ई रिक्शा की ऑन रोड प्राइस होगा 1,30,630 रुपीज़। अगर आपने इसको फाइनेंस करना है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 60,000, लोन अमाउंट होगा 70,630 रुपीज़। अगर आपने जिस कंपनी से इस ई रिक्शा को फाइनेंस कर रहा है उस कंपनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% होगा, तो मैंने इसकी टाइम लिया है 2 ईयर 24 मंथ्स के लिए। EMI आपको हर मंथ को देना होगा 3,324 रुपीज़ पर मंथ, आपको 2 ईयर के लिए पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ई रिक्शा को दिल्ली से लेना है तो यही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने कोई अदर सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकता है, मैं आपकी कमेंट की आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई अदर कंपनी का ई रिक्शा ख़रीदना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके चेक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन में आप लोग को दो वीडियो दिखाई दे रहा है, आप लोग क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।